Hey guys, what is up? So with this side, welcome back to the video. Actually, सुबह मैं यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने आता हूँ. अभी 8:30 बज चुके हैं. मैं कभी वहाँ पे गया, कभी वहाँ पे बैठा, कभी वहाँ पे बैठा. आउटडोर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है. एक्चुअली ये एक छोटा टाउन है ना, तो बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो, वगैरह वगैरह चीज़ें. और उसके बाद पहले ये छांव था जब मैं आया था. अभी बहुत ज़्यादा धूप आ चुका है, तो फ़िलहाल बहुत सारे लोग थे यहाँ पे. सुबह से लेके कम से कम 100 बंदे तो यहाँ पर डे मॉर्निंग वॉक करने ही आते हैं. तो बेसिकली ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसका एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है. और आप लोगों में से बहुत सारे टीनेजर हैं जिनको मतलब इन सब चीज़ों में ज़्यादा शायद इंटरेस्ट है ही नहीं. एक्चुअली देखो, पैसे अगर आप आज सेव नहीं करोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे, चाहे वो 1 रुपये हो और या फिर 1,000 हो या 1 करोड़ हो, अगर इन्वेस्ट नहीं करोगे, सेव नहीं करोगे, तो कल नहीं रहेगा. पिछले दिन मैंने एक वीडियो बनाया था ना, वो आप स्टॉक्स का, तो मैंने जो लिंक डाला था, मैंने देखा 99% लोग उसको क्लिक तो किया था, लेकिन कोई भी अपना डीमैट अकाउंट खोला नहीं था. आज के डेट में अगर आप यूट्यूब चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, और आप डीमैट अकाउंट नहीं है आपके पास, या फिर आप ट्रेडिंग के बारे में कुछ इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हो, तो रखो, ये बहुत काम आने वाला है. जैसे कि आज मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं जो शूज़ यूज़ कर रहा हूँ, पिछले 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, ये कैंपस का शू है. और इसका प्राइस था लगभग 1000 रुपीज़. और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो रिबॉक यूज़ करते हैं, एडिडास यूज़ करते हैं, उसमें से मोस्ट ऑफ़ द पीपल कैंपस और इस रेंज में ही शूज़ यूज़ करते हैं. तो कैंपस का आज आईपीओ का लास्ट डेट है. तो अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट वगैरह है नहीं, तो डीमैट अकाउंट है नहीं, ये जो एक फिल्म एक ट्रक घुसाया है, कुछ काम वगैरह चल रहा है शायद, तो अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट है नहीं, तो आप चाहते हुए भी उस आईपीओ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे. आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. मतलब कोई भी कंपनी जो पहली बार शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं, तो उसका जो पहला प्राइस होता है शेयर का, हाँ हालांकि इसे लॉट में ख़रीदना होता है, जैसे कि 100 पीस एक साथ लेना होगा वगैरह वगैरह, लेकिन ये ऑप्शन आप लोगों के पास रहता. तो मैं पहले भी बोला था कि आप लोग एक डीमैट अकाउंट खोल लो. खोलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है एक्चुअली. वो पहले तो 5 to 6 days लगता था जब ये डिजिटल नहीं था. अभी डिजिटल हो चुका है, तो शायद 5-10-15 मिनट लगेंगे, क्योंकि डिजिटली सिग्नेचर वगैरह आपको मोबाइल पे सब कुछ करना होता है. तो मैं बोलना चाह रहा था, जैसे कि पीटर लिंच ने ये कहा है कि बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने ये कहा था कि कहा है कि आप डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो, और जो जिस प्रोडक्ट का सर्विस या फिर प्रोडक्ट आपको अच्छा लगे, उस पे आप इन्वेस्ट करो, और जिसको आपको पोटेंशियल दिखता है. जैसे कि मैं कैंपस पहनता हूँ, पिछली बार मैंने अदानी वुलमार्क का भी 50,000 के आसपास 2 या 3 लॉट मैंने आईपीओ के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वो ओवर सब्सक्राइब हो गया था. अभी भी मुझे लगता है ये कैंपस का मैंने तो अप्लाई करके रखा हुआ है, ये भी ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाएंगे, क्योंकि ये बड़े बड़े कंपनी है. और मेरा एक मतलब ऐसा सोच है, जिस बिज़नेस में मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, एटलीस्ट उन सारी कंपनीज़ का थोड़े थोड़े शेयर मैं अपने पास रखूँ फॉर फ्यूचर इन्वेस्टिंग. तो अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट है, ट्रैक जा रही इसीलिए आवाज़ आ रही है, तो अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट है, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप डेली लाइफ में जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो, जिस कंपनी का यूज़ करते हो, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट यूज़ करते हो, जो चीज़ आपके समझ में आए, आप उसी चीज़ का, मान लो कि आप कुछ ख़रीदने गए हो किसी सुपरमार्केट में, और वहाँ पे आपने कुछ सेविंग किया, 100 रुपये सेविंग्स किया, 200-500 मंथली सेविंग्स किया, वो जो पैसा है वो आप कुछ FD में रख लो, और कुछ अपने डीमैट अकाउंट में, कुछ अपने पसंदीदे जो भी कंपनी है उसका शेयर खरीद के रख लो फॉर फ्यूचर, आज के लिए नहीं है. अगर आप ट्रेडिंग करने, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग करो, क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए आपको थोड़ा बहुत नॉलेज की ज़रूरत है.
तो ये मेरे लिए मेरा एक एडवाइस है। और फिलहाल आज के आज आईपीओ है, आईपीओ का लास्ट डेट है कैंपस का, तो आप लोगों के पास अगर डीमैट अकाउंट है, अगर आप लोग जानते नहीं थे तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, आप लोग कैंपस का आईपीओ ले सकते हो। हालांकि वो ओवर सब्सक्राइब हो ही जाएगा। और ये एक इन्फॉर्मेशन वीडियो था और कुछ नहीं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।